फ्रेंड्स, आपको अब बेसन ले लेना है जो फ्रेश बेसन हो। तो ये मैंने इतना कुछ लिया है बेसन, थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है, मिक्स करके चेक करना है आप लोगों ने। तो इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर लेता हूँ, बस। तो आप लोगों ने कुछ एक चम्मच या डेढ़ चम्मच बेसन को इसमें डालना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो मैं अभी इसको मिक्स करता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ अपने बेबी पैरट के पास। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अपना ये हमारा कुछ ऐसा बन चुका है। अगर आप लोगों का एक महीने का पैरट बेबी है तो आप लोग थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनाएं, और अगर आप लोगों का नहीं है, एक महीने का, 10 दिन का है, 5 दिन का है, तो थोड़ा सा पेस्ट बना लें। तो आप लोग इसको चम्मच से भी खिला सकते हैं, लेकिन मेरा न्यू पैरट बेबी है तो मैं इसे खिलाऊँगा सिरिंज से। तो अभी हम खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा ये पैरट बेबी 30 डेज़ या 35 डेज़ का है, देख सकते हैं, इसके अभी पर नहीं आए। तो अभी इसको हम खिलाते हैं जो अभी हमने पेस्ट बनाया है इसकी फीड। तो फ्रेंड्स, मैं इसको थ्री पूरी ये फुल करके खिलाता हूँ, आप अपने मुताबिक खिलाइएगा, जितना आपका पैरट बड़ा है छोटा है। मैं इतना भर लेता हूँ अभी, आप अपने अंदाज़े से खिलाइएगा, मैंने इतना भर लिया है। तो अभी अपने बेबी पैरट को फीड करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अपने बेबी पैरट को पहले ऐसे पकड़ लेना है, फिर उसके बाद इसका मुंह पकड़ना है। तो मैं इसका मुंह पकड़ लेता हूँ और ये अंदर करते हैं, और हल्का हल्का से थोड़ा सा वो होगा क्योंकि इसका ये फर्स्ट टाइम है। वैसे मैं इसको चम्मच से खिलाता था बहुत मुश्किल से, हल्के हल्के आप लोगों को करना है, ये हल्के देखें पी रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आपको पिलाना है इसको और छोड़ देना है। हल्के हल्के आराम आराम से आप लोगों को पिलाना है इसको। न्यू बेबी पैरट है तो थोड़ा मसला कर रहा है, हल्के हल्के करके आपको पिलाना है, आदत हो जाएगी खुद ही। दिखाओ मुंह, मुंह खोलो।